भी काजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को विदेश में भारत का झंडा फहरा दिया था। भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया भारत का झंडा आज के तिरंगे झंडे से बिल्कुल ही अलग था। उनके झंडे में हरे और पीले और लाल रंग की तीन पट्टियां थीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी उन चुनिंदा शख्सियतों में से एक भीकाजी कामा भी थी। भीकाजी कामा का जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। भीकाजी कामा की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई थी। 22 अगस्त 1907 को भीकाजी कामा ने विदेश में भारत का झंडा फहरा दिया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर के इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में कई देशों के लोग शामिल हुए थे। सभी ने अपने देश का झंडा लगाया था, लेकिन भारत के झंडे के स्थान पर ब्रिटिश झंडा लगा था। भीकाजी कामा को भारत के झंडे के स्थान पर ब्रिटिश का झंडा स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत भारत का एक नया झंडा बनाया और सभा में फहराया। झंडा फहराते हुए भीकाजी कामा ने कहा, ये भारत का झंडा है। झंडा फहराने के बाद उन्होंने एक शानदार भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, हे संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है। यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे सलाम करो। भीमकाजी कामा ने शादी साल 1885 में एक वकील रुस्तम के आर कामा से की थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका समेत कई देशों में घूम घूम कर भारत की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने देश से बाहर रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की पूरी मदद की थी। साल 1935 में भीम कामा जी भारत लौटी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने देश को याद किया था। बताया जाता है कि उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। 13 अगस्त 1936 को मुंबई के एक पारसी हॉस्पिटल में भीम कामा जी का निधन हो गया था।